किचन पर संभल के चंदौसी की नवीन मंडी समिति में कम्युनिटी किचन के नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के असर को देखते हुए पीएम के द्वारा आह्वान किए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि 3 मई को समाप्त होगा। इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए देश में विभिन्न समाज सेवी संस्थान आगे आई जो कम्युनिटी किचन संचालित कर रही है और लोगों को खाना वितरित कर रही है। ऐसे ही कई कम्युनिटी किचन जनपद संभल की चंदौसी में भी संचालित हो रही है। ऐसे ही कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने के लिए कम्युनिटी किचन के नोडल अधिकारी रामकेश सिंह नवीन मंडी समिति चंदौसी में पहुंचे और वहां संचालित हो रही कम्युनिटी किचन में बन रहे खाने की गुणवत्ता जांची और कम्युनिटी किचन संचालित कर रहे लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस विषय में कम्युनिटी किचन के नोडल अधिकारी रामकेश सिंह ने बताया कि चंदौसी में 3 जगह पर कम्युनिटी किचन संचालित हो रही है। यहां पर मैंने नवीन मंडी में संचालित हो रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। यहां पर खाने की गुणवत्ता एकदम उत्तम है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। अभी मनी बंसल है मेरा नाम, मैं मंडी से। अभी आपके यहाँ नोडल अधिकारी तो आपका किचन चेक करने आए, उन्होंने किचन चेक किया, क्या निर्देश दिया आपको? ये उन्होंने हमारी भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया बताई है और हमसे बढ़िया कहीं वो नहीं भोजन नहीं बन रहा। उन्होंने टेस्ट भी कराया था हमें, उन्होंने बहुत ही बढ़िया भोजन बना। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी और कितने लोगों को खाना बनता है? हमारे यहाँ 800 से 1000 व्यक्तियों के लिए खाना बनता है और सब जगह जा रहा है। कुछ नगर पालिका में जा रहा है, तहसील में जा रहा है और कुछ हमारे कबीर गली में जा रहा है। यहाँ से संभल गेट गौशाला से लेके और वहाँ तक कुर्जा गेट और बैठे रहती हैं उन लोगों के जियो स्टाफ वगैरह जो भी मिलती हैं सब जगह जा रहा है। हम 30 तारीख से कर रहे हैं सेवा, 30 तारीख से और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक करेंगे। और हम लोगों का ये प्राइवेट सहयोग है, हम लोगों का आपसी सहयोग, जन धन बंधन सहयोग सबसे सहयोग कर रहे हैं। संभल जनपद में जो है तहसील चंदौसी में एक मंडी समिति में बन रहा है और राधा स्वामी सत्संग है उनके द्वारा पैकेट बनाए जा रहे हैं और ये सब पैकेट इकट्ठे होकर तहसील प्रशासन के द्वारा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो फ़ोन आते हैं या जो चिन्हित किए गए नगर पालिका द्वारा या तहसील प्रशासन के द्वारा उन लोगों में पहुँचाए जा रहे हैं। मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ पे जो काम कर रहा है उनका स्वास्थ्य सही है या कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं किसी को और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य और खाद्य वाले लगातार यहाँ पे आकर चेक भी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्वालिटी सही है और सही तरह से यहाँ से बन के जा रहा है। तो कम्युनिटी किचन का मेन चीज़ है कि किस तरह से खाना बन रहा है, पूरा हाइजीन के साथ खाना बनाया जा रहा है और वो पैकेट तैयार करके फिर तहसील के द्वारा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें वितरित किया जा रहा है। सर कोई अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील जनता से यही है कि जिस किसी को भी खाने की कोई भी दिक्कत है, कोई भूखा ना रहे, तो तहसील प्रशासन या कंट्रोल रूम कहीं पे भी फ़ोन करके जो भी लोग लगे हैं वो वहीं पे खाना पहुँचाएँगे सारे के सारे लोग। किसी को भी ज़रूरत है और किसी को कच्चे राशन की भी ज़रूरत है तो वो भी सर तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा उसकी भी लगातार डिमांड है पूरी की जा रही है। कच्चे राशन की जो किटें हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही है और जनता जो है सब हाइजीन के साथ खाना ले यहाँ से और जो है पैकेट जो जा रहे हैं साफ़ सुथरे तरीके से उन्हें दिया जा रहा है।